हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब उसी एलिमेंट 3.3 से हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 3.4 पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एबिलिटी दैट ब्रिंग्स अ पर्सन अप टू अ लेवल वेयर दे आर एबल टू परफॉर्म to an acceptable standard and are aware of their own limitation. Competence क्या है? Competence एक combination है knowledge अपना, experience, training और जो हमारे साथ में जो आदमी काम कर रहे हैं उसको अपने level तक लाना और जो standard है उसको accept करना और एक दूसरे को aware करना और जो काम कर रहे हैं उसके बारे में 1000 प्रिकॉशन जानना और उसकी लिमिटेशन और अपने लिमिटेशन जानना, वही क्या होता है कॉम्पिटेंस। देखिए एक एक वर्ड इसमें इसके लिए दिया है कि ये 2-4 नंबर के एग्जाम्स में, नेबोस के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटेंस क्या है, स्किल क्या है, कहाँ जरूरत पड़ती है। इसके लिए नेबोस ने हर एक चीज को बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हमें ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंस इसके लिए हमें मालूम है छोड़ देना है। कॉम्पिटेंस निबोस के लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अपने भाषा में लिख दिया कुछ तो उसका नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो निबोस के एग्जाम्स में निबोस की भाषा में ही लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे मार्क्स ला पाओगे। एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर दैट वर्कर्स आर कॉम्पिटेंट फॉर द रोल दैट दे कैरी आउट। To become competent, a worker must have a right combination of training and experience. Simply having a qualification does not necessarily make a person competent carrying out the job for a long time due to dinner time. A newly qualified person may perform tasks more carefully than a more experienced worker or be more be up to date with current technology, but they may also lack the experience that only come with time. कुछ जरूरी नहीं है कि बड़ा सा जो डिग्री लेकर आए वही एक कॉम्पिटेंट आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वेल एक्सपीरियंस आदमी उससे बेटर है। जो नया आदमी आप हायर करोगे और एक एक्सपीरियंस आदमी है तो एक्सपीरियंस आदमी की वैल्यू ज्यादा है, महत्व ज्यादा है और उससे ज्यादा नॉलेज होगी। हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस आदमी है वो नए टेक्नोलॉजी से ज्यादा, करंट टेक्नोलॉजी जो है उससे रूबरू ना हो। नया आदमी रूबरू होगा, नए मशीन उसके बारे में पता होगा। स्किल्स क्या है? Each individual has skills that they have developed over time. Some of these skills are physical, such as the ability of crane operator to precisely control the movement of a lever, while others are mental, such as the ability to do a complex mental arithmetic while walking. Fitting at a person with the wrong skill set into the wrong role is unwise. A person with poor manual skills may be incapable of safely controlling a piece of machinery during a walk actually because they lack the necessary skill. Skill क्या है? हर एक बंदे के अंदर से कि मेरी स्किल आपको टीचिंग करना है। यदि क्रेन ऑपरेटर है तो उसको क्रेन चलाना है। तो इस तरह के हर एक पर्सन हैव इंडिविजुअल स्किल्स। हर एक आदमी की स्किल, जैसे कि क्रेन ऑपरेटर है, क्रेन चलाएगा, हवा में लोड को मेंटेन करके रखेगा, उसका स्किल है। कुछ लोग मेंटेलिटी स्किल्स रखते हैं, कुछ डायरेक्शन जो करते हैं बैंक्समैन, तो उसकी भी क्या है स्किल रहती है। तो हर एक आदमी का स्किल रहता है तो वो अपना स्किल शो करता है। हुनर, हुनर बोलते हैं स्किल को, हुनर। Personality. Various innate characteristics underpin a person's character, such as the risk taking or risking aversion, introversion or extroversion, etc. Attitude to health and safety can be influenced, skills can be increased and competence developed, but person's personality remains largely fixed. It's who they are. Apna personality अच्छे काम करके खुद बनाए, जो पर्सन
रिस्क लेते हैं, रिस्क को देखते हैं, भापते हैं, सोचते समझते हैं, वो भी एक पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एटीट्यूड, एन एटीट्यूड इज अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, अ वे ऑफ लुकिंग इज समथिंग हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड वो चीज है जो आदमी किस तरह से सोच, किसी चीज के बारे में कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है, दैट्स कॉल्ड इज एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन हैज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। हु पीपल सम पीपल थिंक ऑफ इट इन ए पॉजिटिव वे एंड अदर्स हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड्स डेवलप ओवर टाइम, मेनी ऑफ देम क्वाइट अर्ली इन लाइफ दे हैव टू टेंडेंसी टू स्टे विद अस, दिस इज द बिकॉज दैट दे आर पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज। द मेंटल पिक्चर ऑफ अ पर्सन हैज टू देम सेल्फ एंड हु दे आर, एटीट्यूड्स टू चेंज बट यूजुअली स्लोली। कभी ऐसा भी होता, देखा होगा आपने, किसी को आपने काम बताया तो कोई तो अच्छे से पॉजिटिव वे में लेके उससे हंसी खुशी करना चालू कर देता है, लेकिन यदि कोई ऐसा नेगेटिव दिमाग में रहेगा तो क्या रहेगा, मेरे को काम बता दिया, उसको नहीं बताया। तो इस तरह के ऊपर डिपेंड करता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस बिहेवियर, एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द वर्कर्स एटीट्यूड विल मेक देम मोर और लेस लाइकली टू बिहेव सेफली। इफ अ वर्कर एटीट्यूड टू अ मशीन गार्ड इज दैट गार्ड इज ग्रेट बिकॉज इज द देर आर स्टॉप द आर्म आर्म बीइंग कट ऑफ। तो यदि कोई वर्कर है, वो गार्ड को बार बार हटा दे रहा है, लेकिन उसके बारे में उसे आपको बताना पड़ेगा कि यदि किसी का एटीट्यूड है वर्कर का, तो बार बार गार्ड हटा दे रहा है, उसे कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको बताना है कि भाई ये गार्ड ओनली फॉर यू टू प्रिवेंट योर आर्म बीइंग हैंड फिंगर। यू वेरी अनलाइकली टू रिमूव द गार्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस, बट इफ द वर्कर्स एटीट्यूड इज दैट द गार्ड इज अननेसेसरी। यदि वर्कर का एटीट्यूड है कि गार्ड बेकार है, अननेसेसरी है, ऊपर द टॉप पुट देयर टू टिक अ बॉक्स और टू मेक द जॉब हार्डर, देन दैट वर्कर इज लाइकली टू रिमूव द मशीन गार्ड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। एक चेकलिस्ट बनाए और उसमें उसी को फिल करने के लिए बोले कि इसको फिल करो, देन मशीन स्टार्ट करो। यदि मशीन का गार्ड होगा तो उस पर टिक मारेगा, और देन यदि उसके बाद टिक मारने के बाद यदि वो हटाता है तो आप उसे जाकर के आप उसे वार्निंग लेटर दे सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं कि वो ट्रिक किया हुआ है बट वो हटाया क्यों है, उसका रीजन आप फोकस नोटिस में पूछ सकते हैं। अब डिपेंड करता है रिस्क परसेप्शन, आप वो सोच के जो सोचने की क्षमता है रिस्क के साथ में वो कैसा है। Different people perceive risk in different ways. Some people are very good at correctly recognize that the risk associated with work. Others are very poor at this. They either perceive risk that they are not real or trivial, making them unnecessary risk averse, or they do not recognize the real risk present, which means that they miss expose themselves or others. So those real रिस्क के बारे में उसको सोचने समझने की क्षमता कितना है। वेरियस फैक्टर दैट कैन डिस्टॉर्ट अ पर्सन परसेप्शन ऑफ हजार्ड एंड रिस्क सच एज दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस एंड आल्सो दे आर नॉट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वेरी वेल। यदि हो सकता है उसका तबीयत खराब हो, इंफॉर्मेशन अच्छे से पास नहीं कर पा रहे हो, दे आर अंडर स्ट्रेस एंड सो अदर इश्यूज मे बी डिमोटिंग देयर थिंकिंग। हो सकता है वो अलग मैटर के बारे में वो सोच रहा हो, घर के बाहर काम कर रहा है साइड पे और वो घर के बारे में सोच रहा हो। The may be fatigued and so that alert are capable of responding quickly to circumstances. The may be under the influence of drugs or alcohol. They have past personal experience that is skewing their thinking. अपना personal past के बारे में सोचता है कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से भी वो they may not have received good quality training and education on the hazard and risk of the job. हो सकता है उसको अच्छे ट्रेनिंग और हजार इसके बारे में बताया ना गया हो। दे मे हैव रिक्वायर्ड टू बियर पीपी द इंटरफेरिंग विद देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट द हजार्ड क्रिएटिव द रिस्क। हो सकता है पीपी अच्छे तरीके से नहीं पढ़े तो क्या होता है, उसका पीपी उसके लिए ही खतरा बन सकता है। वर्क प्लेस कंडीशन सच एज हाई लेवल्स ऑफ नॉइज मे बी इंटरफेरिंग विद देयर एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई द हजार्ड दैट क्रिएट द रिस्क। वर्क प्लेस कंडीशन है कि वहां पे ज्यादा नॉइज हो रहा हो, करेक्टली उसको आवाज नहीं जा रहा हो, इंटरफेयर करता हो, उसके ऊपर भी उसको हजार्ड
परसेप्शन के बारे में सोचना होगा। टॉपिक फोकस, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। इसमें से दो नंबर के क्वेश्चन समझो कि टॉपिक फोकस से आते ही आते हैं। वे ऑफ इंप्रूविंग वर्कर परसेप्शन ऑफ हजार्ड्स, हजार्ड परसेप्शन सोच वर्कर को कैसे होती है हजार्ड के साथ में, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। कैरिंग आउट सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यूजिंग पोस्टर टूलबॉक्स स्टॉक, वर्कर्स के यदि हजार्ड परसेप्शन के बारे में आपको इंप्रूव करना है तो डेली टूलबॉक्स स्टॉक करें, जगह जगह पोस्टर समझाएं, टूलबॉक्स स्टॉक करें। डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द हजार्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रेनिंग अरेंजमेंट करें और उनको हजार्ड प्रिकॉशन के बारे में बताएं। Highlights hazards, example, using safety sign to inform employee that hearing protection is required at one of hazard, such a presence of pollute trucks or wet floor. Paint and tape can also be used to highlight hazard like low objects or change in level, example, the edge of the stick. जो एरिए में hazards है उनको हाईलाइट करें, उसके लिए सेफ्टी साइनस बनाए, हियरिंग प्रोटेक्शन के बारे में बताएं, फोरक्लिफ्ट ट्रक्स, वेट फ्लोर्स, इस सब के बारे में क्या है अवेयर कराए, किसमें, टूलबॉक्स स्टॉक में, ट्रेनिंग में आप कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट देयर इज एडिक्वेट लाइटिंग, आप इंश्योर करें जहां पे काम हो रहा है वहां पे प्रॉपर लाइटिंग हो। रिमूविंग डिस्ट्रक्शन सच ए नॉइज विच कुड रिजल्ट इन अ वर्कर नॉट हियरिंग अ वार्निंग एक्सेसिव हीट विच कैन कॉज फैटिग, आप उसके डिस्ट्रक्शन को हटाने की कोशिश करें। जैसे कि नॉइज हो गया, काम करने में बाधा हो रही है तो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ह्यूमिडिटी तो नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो आप ट्राई करें उसको हटाने के लिए। अब एलिमेंट 3.3 से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आए हैं जिसको आंसर आपको लिखने हैं। आप अपने नोट पे इसको नोट करते जाइए और उसका आंसर भी लिखने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई द 3 इंपैक्ट ऑन वर्कर्स एंड सेफ्टी बिहेवियर, अभी हमने पढ़ा तो 3 बिहेवियर क्या है, तीन बिहेवियर आपको मालूम है क्या, द टास्क, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल। आपने इस तरह ग्राफ देखा ना, इस तरह दिखा हुआ था, इस तरह था और उसमें 3 कॉलम किया हुआ था, है ना, ये 3 कॉलम, यहाँ पे द टास्क था, यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे द इंडिविजुअल, ठीक है, वो चीज आएगा इसमें। आउटलाइन 4 की जॉब फैक्टर दैट कैन इंपैक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, वो 4 कारक कौन से हैं जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर का इंपैक्ट कर सकते हैं। हु माइट वर्कर्स नॉट करेक्टली परसीव रिस्क एट वर्क, क्यों वर्कर जो है वो रॉन्ग करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है रिस्क का नहीं कर पाता है, परसेप्शन दिमाग सोच नहीं पाता है, वो कारक कौन से है, इसके बारे में आपको सोच के लिखना है। बाकी इसका डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर जो है लास्ट में करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस आज के वीडियो में इतना ही, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एलिमेंट 3.4। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन 2 या 3 डेज में एलिमेंट 3 खत्म कर दें, तो होपफुली हम खत्म कर देंगे, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, अब मैं इस वीडियो कंटिन्यू रखूंगा तो मैं जल्द से जल्द 3 और 4 अगले नेक्स्ट वीक में एलिमेंट 4 भी खत्म कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।